सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ. इमोशनल नहीं होना है मुझे, और बस यही था. गुड मॉर्निंग. तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं गई हूँ, अपना मेन गेट खुला है और दूध आ चुका है. मॉर्निंग में 6 बजे दूध आ जाता है, तो बस मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ उस टाइम पे, और उठ के सबसे पहले दूध अंदर करती हूँ और फिर अपने काम में लग जाती हूँ. क्योंकि अभी सब लोग सोए हैं, तो मैंने दूध के पैकेट्स जो है वो अंदर कर दिए है, और थोड़ी सी सब्जी मंगाई थी, ऑनलाइन ही मंगाती हूँ ताकि जाना ना पड़े. तो अब एक तरफ मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और फिर मैं बनाऊँगी खाना जो आपके साथ आज नहीं शेयर करूँगी. जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी मैं. चाय बना के पहले हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पीऊँगी. मेरा मॉर्निंग का रूटीन यही है कि पहले हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पीती हूँ मैं, उसके बाद काम शुरू करती हूँ. और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा काम हो जाता है, फिर हम लोग काढ़ा बनाते हैं, फिर मैं काढ़ा पीती हूँ. तो यही चल रहा है अभी. तो चाय बनेगी, उसमें एक लौंग ज़रूर मैं डालती हूँ, आप लोग भी डाला कीजिए, और अदरक वदरक जो भी डाल सकते हैं, ताकि चाय जो है एकदम काढ़े की तरह बने. और अदरक वैसे भी सेहत के लिए इस टाइम पर लेना चाहिए, अच्छा होता है. तो ये सब तो चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं. और सब्ज़ी मैं एक तरफ बनाने रख देती हूँ जब तक. तो ये लीजिए, मैंने एक तरफ सब्जी भी बनाने के लिए रख दी है, और दूसरी तरफ मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा, और ये काढ़ा मेरा रेडी हो रहा है. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग में थोड़ा सा शूट कर लिया था, लेकिन अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम, लगभग 1:30 बज गए हैं, और तक्ष की क्लास का टाइम हो गया था, तो मैंने बीच में रोक के उसकी क्लास करवाई, क्योंकि सैटरडे संडे उसका क्लास नहीं होती है, ऑफ होती है, छुट्टी होती है उसके स्कूल की, तो फ्राइडे तक ही क्लास होती है, और संडे है फादर्स डे. तो आज मैं देखिए कितने आराम से सोफा पीछे है, लेकिन मैं बीन बैग लगा के बैठी हूँ. और तो मैं हाँ बता रही थी कि तक्षय का आज फादर्स डे सेलिब्रेशन था स्कूल में, तो एक छोटा सा एक्टिविटी करवाया था, आपको दिखाऊंगी मैं लास्ट में, थोड़ी सी क्लिपिंग डालूंगी यार तक्ष ने क्या बनाया है अपने पापा के लिए फादर्स डे के लिए. स्कूल में ये एक्टिविटी करवाई थी, तो फिर वो उसने की है, आपके साथ शेयर करूंगी. ये सब चीजें ना छोटी छोटी सी मूवमेंट होती है जो बहुत प्यारी लगती है, जब बच्चे बड़े होते देखते हैं ये सब चीजें कि फादर्स डे पे मैंने ऐसे किया था. अभी तो वो लोग इतना नहीं समझते, उनको बस ये लगता है कि एक दिन है तो पापा उनको गिफ्ट देंगे, तक्षय को ये लग रहा है, तो उनको बताया कि नहीं आप पापा को गिफ्ट दोगे. तो बस यही सब था. और वैसे आज मुझे आप लोगों से एक खास बात ये करनी थी, एक मिनट हाँ मैं अपना फोन ठीक कर लूं. एक्चुअली मेरा ट्राइपॉड जो पीछे रखा है वो टूट चुका है, तक्षय ने तोड़ दिया है, तो उसको बनवाना पड़ेगा, देखते हैं. हाँ जी, तो फिर अभी तो मैं आपको ये बता रही थी कि फादर्स डे सेलिब्रेशन के लिए मैंने भी कुछ प्रिपरेशंस की है छोटी सी, जो अभी नहीं बताऊंगी, वो बताऊंगी मैं बाद में. मैं थोड़ी सी तैयारी कुछ कर रही थी, मैंने सोचा अब संडे ही है, टाइम इतना नहीं है, क्योंकि आज हो गया है फ्राइडे, तो बहुत कम टाइम है, एक ही दिन का टाइम है, तो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, कोशिश रहेगी कि कुछ अच्छा करे. तो बस यही सब चल रहा है. और फादर्स डे से मुझे याद आया कि हम लोग अभी जैसी सिचुएशन चल रही है ना, हम लोग कुछ चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा मतलब लापरवाही कर देते हैं. और ये सिर्फ मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, सुनती हूँ, मैं अपने घर में भी लोगों को देखती हूँ, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है कि जैसे कि सिचुएशन है. मैं बात कर रही हूँ कोविड वैक्सीन की, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, पता नहीं क्यों लोगों के मन में थोड़ा सा मिथ है कि वैक्सीन जो है वो नहीं करवानी है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको लेके थोड़ा सा कुछ क्या कहते हैं इस तरह की गलत बातें बोल दी है कि वैक्सीन से प्रॉब्लम हो रही है, ये है, कुछ लोग इसलिए नहीं करवा रहे हैं, कुछ लोग टाइम नहीं मिल रहा है कह रहे हैं. लेकिन जिनको टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो ये तो बहुत ही खराब बात है, क्योंकि टाइम तो कभी किसी को नहीं मिलता है और टाइम ऐसे ही चले जाता है. मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने भी अपने एक किसी खास को, जो हमारे परिवार से तो नहीं लेकिन परिवार से बहुत ज्यादा बढ़ के थे, खोया है उनको, और एकदम सडन उनके साथ हुआ है ऐसा. तो ये सुन के तकलीफ होती है, क्योंकि जो इंसान होते हैं ना वो सब चीज के लिए, जो फादर्स होते हैं ना वो सब चीज के लिए टाइम निकाल लेते हैं. और उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो अपने कुछ ऐसे मतलब कह नहीं सकते कि ऐसे कुछ कामों में बिजी थे जो शायद आप बाद में भी कर सकते थे,
और इस सब चीजों को टाल के, लेकिन कहते हैं ना होनी होती है कि वो हो गया और जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो इस बात का दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ऐसा और लोगों के साथ ना हो, सब परिवार में लोग अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, ये बहुत जरूरी है। और इस चीज को ना जिनके घर में हुआ है वो ज्यादा अच्छे से फेस कर सकते हैं। मैं जानती हूँ आपने अगर अपने आसपास में सुना होगा, बहुत लोगों के घर में हुआ है, बहुत लोगों के हस्बैंड के साथ हुआ है, वाइफ के साथ हुआ है, तो वो चीज ना, वो दर्द वो ही लोग जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा आप कहते हैं तो मैं तो नहीं मानती हूँ, वो दर्द सबको होता है। अगर आप किसी का सुन ले, अपने जानने वाले का सुन ले, रिश्तेदार का सुन ले, हाँ हो सकता है शायद उनको थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन उनसे थोड़ी समझ ले लेनी चाहिए कि प्रिकॉशन लीजिए, प्रिकॉशन लीजिए। लेकिन वो तो बाकी तो जो भगवान के हाथ में है वो होना ही है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। तो कुछ चीजों का ख्याल रखिए, वैक्सीनेशन जो अगर करवा सकते हैं तो टाइम पे वैक्सीनेशन करवाइए। मेरे हस्बैंड ने भी वैक्सीनेशन करवा लिया, उनका फर्स्ट डोज हो गया है, अब मेरा रह गया है क्योंकि मेरे को वैक्सीनेशन का स्लॉट ही नहीं मिला है। और आज भी मैंने मॉर्निंग में ट्राई किया था तो भी नहीं मिला है, तो देखिए शायद कल या परसों में एक बार दोबारा ट्राई करेंगे तो मिल जाए मंडे ट्यूजडे में, या नेक्स्ट वीक का जब भी मिलेगा तो मैं भी तुरंत वैक्सीनेशन ले लूंगी, फर्स्ट डोज अपना, उसके बाद जब सेकंड डोज होगा वो। और मैंने लेट इसलिए किया है क्योंकि मुझे कोविड था, आपको जैसे मैंने पहले बताया ही था, और मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड को भी था, और जिन लोगों को कोविड हुआ था लगभग 1 से 2 महीने, मतलब ऐसा कहीं कोई गवर्नमेंट का कुछ लिखा हुआ रूल नहीं है, लेकिन 1 से 2 महीने ये कह रहे थे कि वो लोग वैक्सीन ना लगवाए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वैक्सीन ना लगवाए क्योंकि मतलब ऑलरेडी उनका एंटीबॉडीज जो है वो बन जाता है, और जो कि रहता है 2, 4, 3, 6 महीने, उसके बाद उनको लगवाना चाहिए, इससे पहले जो लोगों का नंबर आए वो करवा ले, ये बात थी। तो हम लोगों को अप्रैल में ही हुआ था, आप लोग जानते ही है, मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया था, और अप्रैल लास्ट में हम लोग ठीक हुए थे, मई फर्स्ट वीक में। तो मई और जून अभी चल रहा है, मतलब 1.5 महीना हुआ है हम लोगों को ठीक हुए, और उसके बाद हमने वैक्सीन के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप हो सके टाइम पे वैक्सीन जरूर लीजिए, क्योंकि सारे काम टाले जा सकते हैं, अपनी सेहत को नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि आप ये जो सारे काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, और अगर आप ही नहीं रहेंगे तो फैमिली फिर कौन करेगा काम, इसलिए आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बस यही मनोकामना है आप लोगों से। और प्लीज मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का इतना सा सपोर्ट ना हम लोगों को मतलब बहुत हिम्मत देता है काम करने की। और आप लोग जब सपोर्ट करते हैं ना तो काम करने का मन जो दुगना हो जाता है, उत्साह वो दुगना हो जाता है काम करने का, और आप लोगों का प्यार जो है वो बना हुआ है, और बहुत अच्छे से आप लोग प्यार दे रहे, थोड़े से प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए और लोगों के साथ फैलाइए, और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को कि लोग देखें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बस यही है। और अपना ख्याल रखिए। तो अभी मैं नेक्स्ट शेयरिंग करूंगी आपके साथ, आज तक्षे के स्कूल में भी फादर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ था, तो कुछ फादर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ है तो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह कराया है, तो वो क्लिपिंग भी मैं थोड़ी सी लगाऊंगी, इसलिए मैंने सुबह ही थोड़ा ब्लॉग बना के रोक दिया था, क्योंकि उसके बाद ना मैं तक्षे के साथ लग गई थी क्योंकि उसकी क्लास करवानी थी, और मेरे पास एक ही फोन है, मैं इसी से क्लास करवाती हूँ, इसी से ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैंने फिर ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था, वो सॉरी क्लास लेना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। उसकी क्लास खत्म हुई है और अभी 1:30 बज रहे हैं, अब मैं मतलब फ्री हुई हूँ, तो मुझे लगा चलिए थोड़ी सी आपसे पहले बात कर लूँ, उसके बाद फिर कुछ काम किया जाए, तो बस यही चल रहा है। और फिर नेक्स्ट मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी इस ब्लॉग को थोड़ा सा और इवनिंग में जाके इसका एंड करूंगी इस ब्लॉग का, लेकिन जो थोड़ी बहुत शेयरिंग है मैं आपके साथ आज की कर रही हूँ कि मॉर्निंग में मेरा रूटीन कैसा रहा है, मैं बच्चे के साथ क्लास में मतलब कैसे एक्टिविटी होती है, ये सब चीजें। तो आज फादर्स डे था तो ज्यादा कुछ नहीं था, तो आज इतनी मतलब पढ़ाई नहीं थी, एक्टिविटी ही थी, जो कि बच्चे के साथ तो मदर को ही लगना पड़ता है आप लोग जानते ही होंगे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं लगते हैं, तो बस यही सब चल रहा था। इन्हें क्या किया है, लो पकड़ो दिखा दो। तो आज फादर्स डे सेलिब्रेशन आज स्कूल में हुआ था, तो संडे फादर्स डे है, तक्षे दिखा दो बेटा आपने क्या बनाया पापा जी के लिए। गिफ्ट वाह, कितना प्यारा बैच बनाया मेरे बेटू ने, तक्षे ने ना।
ये दिखा दो तो बैच, ये इसमें लिखा है लव यू पापा। तो ये इनकी क्लास बस अभी एंड हुई है तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, मैंने सोचा चलिए आपको दिखाऊं, स्पेशल डे है और अच्छा लगता है ना। तक्ष दिखाओ बेटा, हिल रहा है, दिख ही नहीं रहा। हाँ आराम से दिखाओ, वेरी गुड, इतना प्यारा बनाया। ये देखिए बनाने के लिए सारे मटेरियल यहीं रखे हुए, पूरा फैला हुआ है अच्छे से। तक्ष अभी देख रहे हैं टीवी और उनको मैंने फ्रूट्स कट करके दे दिए। इस टाइम पे क्लास के बाद फ्रूट्स दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं, क्योंकि शाम को भी देना ठीक नहीं है, और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छे से करवा देती हूँ। देखिए पीछे ना मैं आपको दिखाती हूँ, तक्ष के पीछे ही रखा है, वो पढ़ता भी रहता है। मैंने ना इसके इस तरह की बुक्स ली थी और ये काफ़ी टाइम पहले मैंने ले ली थी, और ये बुक्स ना जल्दी फटती भी नहीं है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो लोग ले सकते हैं, उसमें ऑक्यूपेशनल एनिमल्स व्हीकल्स ये सब के अलग अलग एक बुक्स है, फ्लावर्स ये सब चीज़ें।